अगर मैं ओशो की बात करूं तो आपने क्या ओशो को पढ़ा है, सुना है? उनकी एक किताब है जो आउट ऑफ प्रिंट है, और अगर आप अपने पॉडकास्ट के जरिए जो रजनीश आश्रम है उनसे रिक्वेस्ट कर सकें तो उसको रीप्रिंट करवाइए उस किताब को, कि तोते बड़े धार्मिक होते हैं और धार्मिक बड़े तोते होते हैं। तो ये रजनीश का कहना, ओशो रजनीश वो अब नहीं है, पर मुझे हमेशा लगता है कि अगर वो होते तो हम अच्छे दोस्त हो सकते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज OTT के जरिए जो भी चीजें या फिल्मों में जो चल रहा है राइटिंग को लेकर के, तो आज जो स्टैंडर्ड है क्या पहले समय से बड़ा है राइटिंग स्किल का? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपने बर्फ देखा, बर्फ कहानी जो है कश्मीर में है, बर्फ गिर रही है, तीन लोगों की कहानी, लेकिन वो ऑडियंस को कनेक्ट करती है, तो वो तो कश्मीर में है नहीं। किरदारों से ज्यादा फिल्में ज्यादा खरीद होती हैं आपके। देखिए क्या है, कॉफी के जो एक्चुअल कॉफी होती है दैट इज फिल्टर्ड कॉफी। हम लोग तो दिल्ली के रहने वाले थे, नेस्कैफे पीते थे, इंस्टेंट कॉफी पीते थे, उसमें खूब सारा दूध डाल के पीते थे, वही कॉफी होती थी हमारे लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के खास पॉडकास्ट में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, और आज का जो पॉडकास्ट है वो इसलिए खास है क्योंकि हम सबके पसंदीदा चहेते कलाकार, राइटर और डायरेक्टर हमारे साथ में हैं, सौरभ शुक्ला जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोई ऐसी फिल्म, क्योंकि आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए जैसा भी आपने कहा, तो कोई ऐसी फिल्म या कुछ ऐसे नाम आपके निभाए हुए किरदारों में से जो बेहद ज़्यादा दिल के करीब हैं और जिनको निभाने के बाद में आपको लगा कि वाह तूने तो कमाल कर दिया? तो किरदारों से ज़्यादा फिल्में ज़्यादा करीब होती हैं आपके, कि मैंने आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस फिल्म का पार्ट हुआ, तो बहुत सारी फिल्में हैं। बैंडेड क्वीन, स्टार्टिंग विद बैंडेड क्वीन, बैंडेड क्वीन है। इस रात की सुबह नहीं, एक फिल्म जिसने अगेन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म इन माई लाइफ, बिकॉज उसमें जो मैंने किरदार किया था, सुधीर मिश्रा ने जो मुझ पर भरोसा किया और जो किरदार दिया मुझे, उसकी वजह से लोगों ने मुझे सिर्फ एक रोली पोली हैप्पी कॉमिक कैरेक्टर की तरह नहीं देखा, लोगों ने मुझे तरह तरह के रोल दिए। उसमें इस रात की सुबह का बहुत बड़ा हाथ है, सत्या उसका बहुत बड़ा हाथ है, चंद और फिल्में हैं जो मैंने की, बर्फी है, हे राम है, जॉली जिसने अगेन जॉली वन, जॉली टू और अब हम लोग जॉली थ्री कर रहे हैं इस वक्त, तो वो किरदार और वो कहानियाँ, वो पूरी सीरीज फिल्मों की, वो बहुत कमाल की रही और चल रही है। रेड बहुत अच्छी रही, तो बहुत सारी फिल्में हैं मैं कहूँगा जिसमें मुझे अहम भूमिकाएं मिली और अच्छा काम करने को मिला। सर, आपको चाय ज़्यादा पीना पसंद है या आप कॉफ़ी लवर हैं? वेल, आई एम एक्चुअली नन ऑफ देम। ओके। चाय मैंने बहुत पी, उसके दो रीज़न रहे कि चाय, एक तो थिएटर में चाय बहुत इजीली अवेलेबल होती है जी, तो बात आप रिहर्सल कर रहे हैं 5-5 घंटे 7-7 घंटे, तो हर थोड़ी देर में एक चाय ले आओ भाई, एक चाय ले आओ, तो इस तरह से मैंने चाय बहुत पी, लेकिन मैं चाय का आदि अभी भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सुबह उठते ही एक चाय चाहिए होती है, ऐसा कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। सेम थिंग विद कॉफ़ी, सो आई एंजॉय बोथ ऑफ इट, बट कॉफी बिकॉज मैं नॉर्थ से गया, सो कॉफी इज नॉट अ वेरी नॉर्थ इंडियन थिंग। मे बी इफ आई वॉज बॉर्न इन साउथ आई वुड हैव बीन अ कॉफी लवर, बट या आई वुड से टी मोर, देन आई डेवलप द टेस्ट ऑफ कॉफी। देखिए क्या है, कॉफी की जो एक्चुअल कॉफी होती है दैट इज फिल्टर्ड कॉफी, जिसका डिकॉक्शन आप निकाल के, उसका एक अरोमा होता है,
हम लोग तो दिल्ली के रहने वाले थे, नेस्केफे पीते थे, इंस्टेंट कॉफी पीते थे और उसमें खूब सारा दूध डाल के पीते थे, वही कॉफी होती थी हमारे लिए। ये तो बहुत बाद में समझ में आया कि नहीं, कॉफी बीन्स को जब आप उसको जब क्रश करते हैं तो उसका एक अरोमा होता है, फिर वो कॉफी का एक अलग स्वाद है, एक अलग फ्लेवर है। और फिर कॉफी भी तरह तरह की कॉफी है। कॉफी लवर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो मिल्क के साथ कॉफी जो है वो बहुत ऊपर स्टैंडर्ड में नहीं आती है, इट्स द ब्लैक कॉफी, यू नो, सो इट्स एस्प्रेसो विच यू लाइक मोर, और यू कैन हैव मोर टेस्ट ऑफ इट। और एस्प्रेसो बाय द वे, ये मुझे बहुत बाद में पता लगा कि भाई एस्प्रेसो जो है वो काली कॉफी होती है, एक्चुअली डिकॉक्शन होता है। यहाँ पर तो शादियों में एस्प्रेसो मिलती थी, उसका मतलब होता था वो झाग निकाल वाला। तो अब आप समझ सकते हैं कि कॉफी इज अ कल्चर, इट्स एन एक्वायर्ड कल्चर फॉर मी विच हैपेंड मच लेटर इन लाइफ। सर, जब आपका ब्रेक टाइम होता है, चाहे वो नाटक की बात करें या फिर फिल्मों में जब भी आपके जो रोल्स होते हैं, उसके बाद ब्रेक टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? ब्रेक टाइम में मैं क्या करना पसंद करता हूँ, मतलब मैं कर तो कुछ भी सकता हूँ, लेकिन मैंने कहीं सुना था, वो बड़ा इंस्पायर किया था उसने मुझे, ये सच है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना था बर्टोल्ड ब्रेख्त जो थे वो 5 टाइपराइटर रख के, उनके स्टडी में 5 टाइपराइटर रहते थे, तो वो एक नाटक लिखते थे या जो भी वो लिखते थे, तो लिखते लिखते जब थक जाते थे तो जब ब्रेक लेते थे तो दूसरे टाइपराइटर पे चले जाते थे और दूसरी कहानी लिखने लगते थे। ओके, सो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा कमाल का है, ये इससे तो अच्छा ब्रेक हो ही नहीं सकता। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बार्टोल ब्रेक की तरह ऐसा ही करता रहता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि मेरा फैसिनेशन जो है वो इस चीज में बहुत रहा है। तो मैं ब्रेक में भी अगर कुछ सोच सकता हूँ, है ना, तो मुझे अच्छा ही लगता है। सर, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने राइटिंग को लेके बात की थोड़ी देर पहले, तो सर राइटिंग का जो आज का जो कल्चर है और पहले जो कल्चर था उसमें आप एक तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्योंकि आज OTT के ज़रिए जो भी चीज़ें या फिल्मों में जो चल रहा है राइटिंग को लेकर के, तो आज जो स्टैंडर्ड है क्या पहले समय से बड़ा है राइटिंग स्किल का? और अगर कोई नए लोग राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं ये तय करने में कि राइटिंग का स्टैंडर्ड कब अच्छा था और कब खराब था। हर समय में लोग लिखते रहे हैं, जो उन्होंने महसूस किया उसे लिखते रहे हैं, जिन्होंने भी महसूस करके ट्रूथफुली लिखा है, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रूथफुली का मतलब यह है कि आप उसके आगे पीछे और कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा या क्या है, बजाय उसके कि आप लिखना चाहते हैं और आप बहुत पैशनेटली फील करते हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं। जिन भी लोगों ने ऐसा काम किया है वो कृतियां हमेशा पसंद की गई हैं और अच्छी रही हैं। सो मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है इस बारे में कि पहले स्टैंडर्ड ऐसा था और या वैसे था। बदलते समय के साथ साथ भाषा बदलती है, बदलते समय के साथ साथ एक्सप्रेशन, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वो बदलता है, मान्यताएं बदलती हैं और वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लिखना एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन है ऑफ योर टाइम, इट शुड रिफ्लेक्ट योर टाइम। कहानी आप कुछ भी लिख रहे हो सकता है कि आज मैं महाभारत लिखूं, लेकिन आज मैं महाभारत की जो समझ है मेरी वो मेरे प्रेजेंट से आती है, मैं आसपास की दुनिया को जब देखता हूं तब मुझे महाभारत की जो कहानियां हैं वो समझ में आती हैं, इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट आई एम लिविंग, सो दैट शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट एंड दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद दैट स्टोरी। जैसे आपने बर्फ देखा, बर्फ कहानी जो है कश्मीर में है, बर्फ गिर रही है, 3 लोगों की कहानी, लेकिन वो ऑडियंस को कनेक्ट करती है, तो वो तो कश्मीर में है नहीं,
वो तो उस वक्त फंसे हुए नहीं है, उनकी कहानी तो वो कहानी है नहीं, वो किसी पहाड़ में किसी घर में फंस गए ऐसा तो है नहीं कहानी उनकी। लेकिन फिर वो कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके उस कहानी में भी जहां वो किरदार फंसे हुए हैं उनके साथ जो हो रहा है वो आम जीवन में आपके साथ होता रहता है। सो दे रिलेट विद देयर दिस थिंग। तो जैसे बर्फ में ये सवाल उठता है कि भाई किसका सच सच है, आपका सच सच है या मेरा सच सच है, और मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि मेरा सच ही सच है और आपका सच सच नहीं है। ये तो हम लोगों की जिंदगी में रोज ही होता रहता है, हर इंसान के साथ होता रहता है। तो ऑब्वियसली यू विल कनेक्ट विद दैट। ओटीटी की आपने बात की, ओटीटी ने बहुत एक ओटीटी एक नया मीडियम है आई वुड से, जैसे कि थिएटर के बाद सिनेमा एक नया मीडियम था जी, फिर टेलीविजन आया तो वो सिनेमा जैसा था मगर सिनेमा नहीं था, तो वो एक अलग मीडियम बना। उसी प्रकार दिखने में है तो वेब सीरीज भी सिनेमा और टेलीविजन की तरह है, लेकिन वो अपने आप में एक अलग मीडियम बना, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हों। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिल्म जब आप देखते हैं तो वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आइडियली फिल्म आप थिएटर में देखते हैं जी, तो आप कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, 700 लोग 800 लोग एक साथ हंसते हैं जी, एक साथ ताली बजाते हैं, एक साथ थ्रिल्ड महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं, इट्स अ कलेक्टिव एक्सप्रेशन, ए कलेक्टिव फीलिंग। टेलीविजन जब आप देखते हैं तो वो पारिवारिक होता है, घर में चलता है जी, जिसमें आप कुछ काम भी करते रहते हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं जी। अब वेब जो है, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड है, तो आप ज्यादातर या तो अपने कंप्यूटर पे देखते हैं या मोबाइल पे देखते हैं, सो इट बिकम्स अ वेरी पर्सनल व्यूइंग, ओनली यू एंड यू वॉच इट, सो इट रिक्वायर्स समथिंग मोर, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ न्यू मीडियम। And I'm very happy that it is there. Yes. तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, अभी बर्फ को लेकर के हम बात कर रहे थे, तो मैंने बर्फ कल देखा, इट वॉज ए फैंटास्टिक और ऐसा हार्ट टचिंग एक पूरा का पूरा आपका जो प्ले है ये उस तरह से, और खासतौर पर ज्यादातर प्लेज में क्या होता है कि या तो मोनो होते हैं या फिर जो है बहुत सारे लोग उसमें किरदार होते हैं, लेकिन ऐसे में सिर्फ तीन किरदार के साथ में आपने इसे बखूबी लिखा है, डायरेक्ट किया है और एक्ट भी किया है, तो इसको निभाने में या इसको लिखने में या इसको करने में क्या कोई चैलेंजेस आपके? बिल्कुल चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि मेरा बहुत मन था और मुझे हम लोग इस नाटक को तकरीबन 8 साल से कर रहे हैं, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्ले, और मुझे आज भी ये नाटक करने में बहुत मज़ा आता है। कल हम लोगों ने शो किया था, आज फिर हम शो करने जा रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो जब आप एक्साइटेड होते हैं तो चैलेंजेस चैलेंजेस नहीं रह जाते, दे बिकम एडवेंचर्स। अगर फेलिसिटी की बात करें और राहुल उचर सर की बात करें तो उनके योगदान को लेके, खासतौर पे थिएटर को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कमर्शियल थिएटर पे बहुत काम किया है, तो उनके योगदान को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए मैं मुंबई में रहता हूँ और ये प्रोडक्शन जो है वो AGP वर्ल्ड की प्रोडक्शन है, एंड इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन फेलिसिटी एंड AGP वर्ल्ड। अश्विन गिडवानी हमारे प्रोड्यूसर हैं और राहुल जो हैं उन्होंने दिल्ली में हम पहले भी ये नाटक हमारा करवाया है और आज भी करवाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द वे ही हैज़ मैनेज्ड थिंग्स। सो मेरा अनुभव बड़ा सुखद रहा है राहुल के साथ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक तो बहुत अच्छा इंसान है जी, बिल्कुल आवाज़ जितनी अच्छी है दिल उससे भी ज़्यादा अच्छा है उनका, बिल्कुल, एंड ही हैज़ टेकन द थिएटर, वो थिएटर की जो एक गरिमा होती है, बात खाली पैसे की नहीं है, बात है एटीट्यूड की, कि नाटक सुनते ही आपको पास चाहिए होते हैं, आप फिर पास लेते हैं, फिर आपको लगता है पैसे तो खर्च किए नहीं, मैं जाऊं ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक साइकी है जिसको राहुल ने तोड़ा है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, लोगों ने बहुत बातें बहुत की हैं, हम आज से बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं थिएटर को टिकट खरीद के देखना चाहिए, यू नो उसको उसकी इज्जत मिलनी चाहिए और उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको सस्टेन कैसे किया जाएगा, लेकिन राहुल ने उसको सच किया। कल वोटिंग थी दिल्ली में जी, बिल्कुल,
और यह सवाल उठा था कि भाई वोटिंग वाले दिन कौन आएगा देखने के लिए जी, लेकिन कल दोनों शोज हाउसफुल थे और आज आईपीएल है जी, तो लोग आईपीएल का फाइनल है आज जी, बिल्कुल। तो लोगों ने कहा कि भाई आईपीएल का फाइनल तो खाली पड़ा रहेगा हॉल, हॉल दोनों दोनों शोज हाउसफुल है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट राहुल एंड फेलिसिटी फॉर डूइंग दिस। सर अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कितना कनेक्टेड मानते हैं? जब बूढ़े हो जाएंगे जी तब सोचेंगे जी। अगर मैं ओशो की बात करूं तो आपने क्या ओशो को पढ़ा है सुना है? नहीं पढ़ा नहीं है उनको, पढ़ा है मैंने, उनकी एक किताब है जो आउट ऑफ प्रिंट है और अगर आप अपने पॉडकास्ट के जरिए जो रजनीश आश्रम है उनसे रिक्वेस्ट कर सकें तो उसको रीप्रिंट करवाइए उस किताब को। मैं अध्यात्म की किताबें नहीं पढ़ता हूँ जी, ठीक है, क्योंकि मेरा जीवन में एक मानना है कि यहाँ सभी ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान ना दें, ठीक है। तो लेकिन लोगों की बात, रजनीश मुझे बहुत पसंद है, उनकी छोटी छोटी बातें मैंने सुनी हैं, है ना, और वो जोक्स बहुत क्रैक करते थे। तो उन्होंने, जैसे आपको बताता था, उन्होंने एक जगह कहा था कि भाई तोते को बोलो राम 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 तो तोता फट से सीख जाता है और वो बोलने लगता है राम 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 या भगवान 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 जो भी बोलता है। तो कहना इससे क्या साबित होता है, इससे ये पता लगता है कि तोते बड़े धार्मिक होते हैं और धार्मिक बड़े तोते होते हैं। तो ये रजनीश का कहना है, ठीक है, मैं पूरा करता हूं। तो उनकी एक किताब है जी, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली जी, वो इतनी मोटी किताब है, इतनी बड़ी किताब है। ओके, वो बाकायदा किताब मैंने कहीं से मुझे मिल गई थी और मैंने उसको खरीद लिया था, पर उसके बाद वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई। इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5,000 जोक्स। ओके, एंड थ्रू दोज जोक्स द होल स्पिरिचुअलिटी कम्स इन पर्सपेक्टिव। जहां पर रजनीश ने कहीं पे भी भाषण नहीं दिया है, कहीं पे भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिंपली इट्स अ कलेक्शन ऑफ जोक्स जी। एक चीज मैं आपको क्विकली बता देता हूं, उसका प्रीफेस, उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है, उसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि जब मैं दिल्ली में या नॉर्थ में होता हूं तो मुझे एक चुटकुला सुनाई पड़ता है जिसमें मुख्य किरदार जो है वो सरदार होता है, क्योंकि सरदारों में बड़े जोक्स थे एक टाइम पे जी, बिल्कुल करेक्ट। खुशवंत सिंह जी भी अपने ऊपर ही जोक्स ज्यादा बनाए जी, करते थे जी। कल फिर मैं पाकिस्तान जाता हूं तो मेरे को वही जोक सुनने को मिलता है, उसमें किरदार पठान हो जाता है। कल फिर मैं ब्रिटेन में जाता हूं और मुझे वही सिमिलर जोक सुनाई पड़ता है और कैरेक्टर जो है वो आयरिश हो जाता है। फिर जब मैं अमेरिका जाता हूं तो मेरे को वही जोक सुनाई पड़ता है और वो कैरेक्टर टैक्सन हो जाता है। कहले इससे एक बात उठती है कि भाई ये सब जगह जोक तो एक ही है, वो अलग अलग लोगों पे, अलग अलग प्रोविंसेस पे कर दिया आपने। कहले फिर ये जोक बनाया किसने, ये ओरिजिनली किसका है जोक? और हिस्टोरिकली उन्होंने इस बात को लिखा कि हिस्टोरिकली अगर आप इसको सर्च करें तो आपको समझ में आता है कि 90% ऑफ द जोक्स आर जूइश जोक्स, दे आर क्रिएटेड बाय जूस, क्योंकि वो 17th सेंचुरी में वही जोक मिल जाएगा आपको जूस में, करेक्ट जी। कल अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 90% जोक हम सुनते हैं वो जूइश लोगों ने बनाए। कल फिर जूइश लोगों ने इतने जोक्स क्यों बनाए, क्या जरूरत थी इतने जोक्स बनाने की? तो उन्होंने कहा कि जो उसका एनालिसिस मुझे समझ में आता है वो ये है, बिकॉज द ज्यूइश कम्युनिटी वेंट थ्रू सो मच ऑफ टर्बुलेंस एंड सो मच ऑफ अनस्टेबिलिटी एंड एंग्जाइटी दैट दे नीडेड टू लाफ। सो ह्यूमर इज नॉट सिंपली अ ह्यूमर,
इट्स अ फोर्स, इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो इसीलिए जो इंसान कहता रहता है ना कि भाई बड़ा दुख है जीवन में, बड़ा दुख है जीवन में, उसके जीवन में दुख नहीं होता है। जिसके एक्चुअली होता है उससे पूछेंगे कैसे हो भाई, कहता हाँ बढ़िया ही है यार भाई, वो मजाक में उड़ाता है। इट्स अ ग्रेट इंसाइट इनटू ह्यूमर। जी, आखिर में सिर्फ मैं आपसे इतनी सी बात जानना चाहूंगा सर कि जैसा अभी आपने एक किताब के बारे में कहा, तो इसके अलावा भी क्या आपने ओशो को पढ़ा है क्या? अरे सुना है, सॉरी, मैंने सुना है, बहुत पसंद है मुझे। हाँ, लेकिन मुझे ना, मैं किसी स्पिरिचुअल बना, मैं किसी एक धारा को नहीं मानता दोस्त। मुझे जो अच्छा लगता है, मैं उससे जो सीखना होता है सीख लेता हूं, या मुझे लगता है मैं सीख रहा हूं, और वो जरूरी नहीं है कि जो मैंने सीखा वो सही है या गलत है। हाँ ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक लाइन बोली कि यहां ज्ञान ना दें, यहां सभी ज्ञानी है, ये मेरी लाइन नहीं है जी। ये लाइन जो है वो बनारस में एक चाय वाला है जिसको पप्पू चाय वाला नाम है, और काशी का अस्सी जो बहुत कमाल का मेमोआर है जी, काशीनाथ सिंह का, उसमें इसका जिक्र है कि चाय की दुकान में लिखा हुआ है। और मैं चाय पीने गया था उस दुकान पे, वहां पर एक तख्ती लगी हुई है, क्यों आप चाय पी, हर आदमी तो हर आदमी को ज्ञान देता है भाई, बिल्कुल। और चक्कर क्या है कि ज्ञान सबके पास है, तो मैं आपको क्या समझाऊं यार कि जिंदगी क्या है, या मैं आपको अध्यात्म क्या सिखाऊं, आपका अध्यात्म अपना ही अध्यात्म है, खुद ही पता कर लो। जी बिल्कुल, जो अब आपने ये बात कही है, मैं इस बात को ऐसे भी लूंगा कि ओशो ने भी यही बातें कही हैं कि अपने जीवन को खुद से समझना होता है। और वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने कहा है तो उसे मान लो, पहले जानो, और फिर जानना ज्यादा जरूरी है, मानना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि मान लिया तो मान तो आप कुछ भी सकते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो आपने मान लिया तो मान लिया, लेकिन आपके जीवन को जानना बेहद जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी उस जीवन को, उस लाइफ को जानकर अच्छा लगा। और मुझे मतलब आचार्य रजनीश जो थे, ओशो रजनीश, वो अब नहीं है, पर मुझे हमेशा लगता है कि अगर वो होते तो हम अच्छे दोस्त हो सकते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जो है आपके जीवन से बहुत सारे लोग और प्रेरित हो पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा लगातार आप जिस तरह से कल का शो जो मैंने देखा खासतौर पे, उसमें फ्लॉलेस और पूरी तरह से जब आप आपका किरदार निभाते हैं, या बाकी आपके साथ के दो किरदार जो अपना रोल कर रहे होते हैं, पूरी तरह से पूरी पब्लिक को बांध करके आपने रखा। तो मुझे लगता है कि ये शो बहुत खास है, खासतौर पे बर्फ यहाँ भी आज दिल्ली में चल। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा।